कई लोगों की जहरीली शराब से मौत के बाद भाजपा महिला मोर्चा ने आबकारी विभाग का घेराव कर छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई। जांजगीर चांपा में जहरीली शराब से एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। वहीं राजनांदगांव जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष किरण साहू के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा कार्यालय से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आबकारी मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आबकारी विभाग का घेराव किया गया। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर आंदोलनकारियों को रोकने का प्रयास किया। वहीं पुलिस और महिलाओं के बीच झूमाझटकी और धक्का मुक्की हुई। हम लोग शराबबंदी को लेकर आज महिला मोर्चा ने रैली निकाला है और आबकारी विभाग का घेराव करके यहां ताला जड़ने का काम किया है। आज मातृशक्ति ने जो ताला जड़ने का काम किया है, यह हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत पहले कर देना था, क्योंकि उन्होंने गंगा जल को हाथ में लेकर कसम खाई थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम शराबबंदी करेंगे। लेकिन शराबबंदी तो दूर, उन्होंने घर घर होम डिलीवरी कराई, शराब ठेका को संरक्षण देकर नकली शराब बेचा गया और 2000 करोड़ रुपए का जो शराब घोटाला हुआ है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में हुआ है। आज जिला भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आबकारी कार्यालय का घेराव करने का प्रस्ताव दिया गया था, उसमें उनकी ओर से भीड़ के साथ आए थे तो हमारे यहाँ पुलिस की व्यवस्था ठीक थी, उन्होंने हमको ज्ञापन दिया हुआ है, ये ज्ञापन कलेक्टर सर को अग्रेषित कर दिया जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।